नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मैं उन सब भाइयों का, मैं उन सब बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और शेयर किया। मैं उन सब माताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े और मुझे मेरी वीडियो को पसंद किया। मैं माता काली शमशान काली से यही प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बना के रखे, उनका परिवार सदा खुश रहे, सदा बाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे और उनके परिवार में सदा बरकत बने रहे और उनके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें। माता काली शमशान काली से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि जो लोग मन कानवेश्वर महादेव ट्रस्ट, जय महाकाली ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से संपर्क कर सकते हो। जय महाकाली ट्रस्ट, मन कानवेश्वर महादेव ट्रस्ट से जुड़ने के लिए आप भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो और जन कल्याण की सेवा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊँगा जो वीर बुलाकी बाबा भैरव की साधना है। इस साधना को आप बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त से करें, गुरु के साथ रहकर करें और गुरु के आदेश पर ही करें। अगर आप इस साधना को बिना गुरु के करते हो तो अपनी हानि और लाभ की आप स्वयं जिम्मेवार बनोगे, उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ना मेरी कोई इसमें वो कोई भी दखलंदाजी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप पहले इसका मंत्र सुने। सर पर करे काल का भड़क, भड़क करे वीर बुलाकी मशान, नाचती आए जोगनी खेलता आए वीर बुलाकी मशान, अमुक कारज सिद्ध कर कमाल खास सैयद की आन, काली के चक्कर की आन माँ फूला की आन, आन गुरु गोरखनाथ की चले मंत्र शब्द साचा, सत का नाम सत नाम आदेश गुरु को। यह मंत्र है दोस्तों। अब आप इस मंत्र की एक विधि सुने। यह साधना 21 से 41 दिन की है। देवता से अधिकतर सातवें दिन में ही परिचय मिलना शुरू हो जाएगा आपको। हर रोज की सामग्री का सामान आप ध्यान से सुने। दो बूंदी के लड्डू, दो बर्फी के पीस, दो पान के पत्ते, एक जायफल, 12 लौंग, 11 पतासे, एक देसी की शराब की बोतल अथवा एक पौवा भी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी सुअर की कलेजी, थोड़ी सी बकरे की कलेजी, थोड़ा सा हनुमान का पेड़ा संदूर, सात सादी हरे रंग की चूड़ियाँ, थोड़े से काले उड़द साबुत। ठीक है, अमस्या के बाद के पहले बुधवार को, जो अमस्या के बाद का जो पहला बुधवार आएगा उसमें आपने क्या करना है, पहले गणेश जी को भेंट दे, पूजा दे, फिर वीरवार को सैयद कमाल खां की भेंट पूजा दे, संतुष्ट करे उनको पूजा देकर, फिर किसी भी मजार पर पूजा देने के चद्दर चढ़ाएं, सात पतासे चढ़ाएं, 5 अगरबत्ती जलाएं, 1 मीठा पान, 5 गुलाब के फूल किसी मजार पर चढ़ाया कराएं, फिर शनिवार को यह पूजा शुरू करें, किसी एकांत कमरे में पूजा करें, धूप दीप जलाकर सारा सामान अपने सामने रखें, एक लोटे में पानी भर कर रख लें और पतासे डाल दो उसमें। ठीक है जी, मिट्टी के एक कसोरे में एक लड्डू, दो बर्फी, एक पान के पत्ता, लड्डू से दो लौंग, इत्र और का फोया रख दे, लड्डू के ऊपर दो लौंग और इत्र का फोया रख दे, एक मंत्र का कम से कम 1 घंटा जाप करे बिना माला के। इसमें आपको माला की ज़रूरत नहीं है, 1 माला गुरु मंत्र की पहले जरूर करे, आसन जाप करे, रक्षा मंत्र करे, फिर उसके बाद जाकर मंत्र शुरू करें। यह साधना आपको रात को 10 बजे के बाद शुरू करनी है। जाप करते करते आपको कपूर जलाकर देवता को दोनों कलेजों का भोग देना है। कपूर के ऊपर जायफल सुपारी पतासे का भोग देना है, पान के पत्ते का भी भोग देना है और शराब का भी भोग, जल का भोग और लौंग का भोग अपने मनोकामना बोलते हुए देना है। फिर मिट्टी के कसोरे को में कपूर पर
भोग दें। देते हुए कलेजी रखे, थोड़ी सी शराब डाले सकोरे पर, फिर वह सकोरा घर से बाहर कहीं भी आग के पौधे की जड़ में रखाएं। ऐस उस सकोरे पर थोड़े से उड़द के दाने डाल दें। मंत्र जरूर पढ़ना है, जो मंत्र मैंने अभी बताया इस मंत्र का जरूर पढ़ना है, और मांस मंत्र का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर शयन करें, और यह साधना बिना गुरु के ना करें। अगर आप यह साधना बिना गुरु के करते हैं तो अपनी हानि और लाभ के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार मंत्र दोबारा सुने। सर पर करे काल का भड़क, भड़क करे वीर बुलाकी मशाण, नाचते आए जोगनी खेलता आए वीर बुलाकी मशाण, अमुक कारज सिद्ध कर कमाल खां सैयद की आन, काली के चक्र की आन माँ फूला की आन, आन गुरु गोरखनाथ की चले मंत्र शब्द साचा, सत्य का नाम आदेश गुरु को आदेश आदेश। यह मंत्र है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगा कि आप मुझे जुआ सट्टा या सट्टे के लिए कभी फ़ोन ना करें, यह मैं बिल्कुल नहीं बताता। हाँ, मैंने इसकी साधना बताई हुई है, उस साधना को यूट्यूब में से निकाल के करें और आप अपना कार्य करें, पर मुझे सट्टे के लिए जुए के लिए परेशान ना करें, ना मैं किसी को जुआ सट्टा बताता। और हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, अपनी पत्नी और बच्चों की खूब सेवा करें, अपनी पत्नी बच्चों का कहना माने और उनकी आज्ञा का पालन करें और उनको सदा खुश रखें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, जो भी कार्य करना अपने माता पिता के आशीर्वाद से शुरू करें, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू करें। जो लोग अपने माता पिता और अपने गुरुओं की सेवा करते हैं वो जीवन में कभी दुख नहीं पाते, वो जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, कभी जुआ सट्टा प्राय तरीके से संग ना रखें, क्योंकि ये एक विनाश की चीज़ है, इसलिए इनसे दूर रहें। सदा अपनी पत्नी और बच्चों की खूब सेवा करें, अपनी पत्नी और बच्चे का कहना माने और उनके साथ रहकर उनकी आज्ञा का पालन करकर, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करकर, अपने गुरुओं की आज्ञा पालन करकर ही हर काम करें। जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जाएं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं। जो स्त्री अपना नौकरी करती है, नौकरी पेशे वाली है, वो अपने सास ससुर की चरण छूकर ही बाहर जाए और अपने सास ससुर का कहना माने, अपने सास ससुर की हर सेवा करे और अपने सास ससुर का आशीर्वाद ले। और जो लोग अपने गुरुओं की बुराई करते हैं, जो लोग अपने गुरुओं की पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो लोग अपने गुरु की निंदा करते हैं, उनके ऊपर गुरु दोष लगता है और इस गुरु दोष का उनको गुरु दोष का इल्ज़ाम उनको सात जन्मों तक भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु की निंदा ना करें, अपने माता पिता की निंदा ना करें, अपने माता पिता की कभी बुराई ना करें, अपने गुरु की बुराई ना करें। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूँगा, अपने गुरु का कभी अपमान ना करें, अपने गुरु की कभी निंदा ना करें, अपने माता पिता का अपमान ना करें, अपने माता पिता की कभी बुराई ना करें। इससे आपको गुरु दोष और माता पिता का भी दोष लगेगा, जिससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आपके घर में से आपके घर गृहस्थी में दिक्कत आएगी, आपके कारोबार में दिक्कत आएगी। इसलिए अपने गुरु की कभी भी बुराई ना करें, अपने गुरु की कभी निंदा ना करें, या तो गुरु बनाए ना बनाए तो सोच समझ कर बनाए, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा एक बात कहूँगा, जिस पत्थर को छीनी और थोड़े से चोट लगे वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जिस पत्थर को छीनी और थोड़े की चोट से चोट लगे वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। जो चेला अपने गुरु की कोई बात ना बर्दाश्त कर सके वो काबिल चेला नहीं बन सकता। इसलिए या तो गुरु बनाए ना बनाए तो सोच समझ कर बनाए, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये कहूँगा, माता काली शमशान काली आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा बाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे, आपके परिवार में सदा बरकत बने रहे, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब बढ़ोतरी करें। माता काली शमशान काली से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। मेरे एक चैनल और भी है, उसको भी लाइक करें शेयर करें, जय शमशान काली के नाम से चैनल है, वो मेरा ही चैनल है, उस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे ट्रस्ट में जुड़ना चाहते हैं, मन कानवेश्वर महादेव ट्रस्ट रजिस्टर्ड, जय महाकाली ट्रस्ट रजिस्टर्ड में जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो, जुड़ सकते हो और उनसे कार्य करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस ट्रस्ट में आप जन कल्याण की सेवा भी कर सकते हो, और जिन लोगों को मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला, राशि नग या आसन या और भी किसी प्रकार की पूजा सामग्री की जरूरत है तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से ले सकते हो और उनसे मंगवा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय शमशान काली।